हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें मैंने आपको दो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, जब हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ लेते हैं तो इनका रिडक्शन होता है और दो तरह के कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी होती है। दो तरह के क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट पे डिपेंड कर रहा है, आप किस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ले रहे हैं इस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होगा तो दो तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, पहला अल्कोहल और दूसरा एल्केन। ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपने रिड्यूसिंग एजेंट कैसा लिया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। तो एल्डिहाइड कीटोन जो होता है, जब इसका रिडक्शन करते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक अल्कोहल और एक एल्केन। ये डिपेंड करता है कि आपने रिड्यूसिंग एजेंट कैसा लिया है। तो यहाँ पर आपने, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन। ये क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन के एग्जांपल है। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड से अल्कोहल जो बनता है वो कौन सा अल्कोहल बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड में एक ही कार्बन है, मतलब ये कि इसमें जो अल्कोहल बनेगा, इसका रिडक्शन होने के बाद, फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन होने के बाद जो अल्कोहल बनेगा वो क्या हो जाएगा? मैथिल अल्कोहल। एसिटाल्डिहाइड में दो कार्बन है, इसका रिडक्शन होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल कह सकते हो या एथिल अल्कोहल कह सकते हो। कह सकते हो कि नहीं? कह सकते हो ना। एसिटाल्डिहाइड में दो कार्बन है तो जब इसका रिडक्शन होगा विद हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट तो एथिल अल्कोहल बनेगा, दो कार्बन वाला, या उसे हम 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ओके, कीटोन का जब भी रिडक्शन होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, फिर से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होगा तो दो तरह के कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी होती है, एक अल्कोहल और एक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम एल्केन कहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपने रिड्यूसिंग एजेंट कैसा लिया है, उसके बेसिस पर आप बताएंगे कि प्रोडक्ट बन क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हो तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड है। जब इसका रिडक्शन होगा फॉर्मेल्डिहाइड का तो मैथिल अल्कोहल बनेगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन है। एसिटाल्डिहाइड लेते हो तो इसमें दो कार्बन है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कीटोन लेते हो तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। कीटोन का जब भी हम रिडक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। ठीक है, अभी सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, बस आपको अभी आउटर नॉलेज दे रही, ऊपर नॉलेज दे रही, अभी पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म सब अभी बताऊंगी। ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है। तो कीटोन से क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है फॉर्मेल्डिहाइड का मैथिल अल्कोहल में, एसिटाल्डिहाइड का 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन का 2 डिग्री अल्कोहल में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लेंगे, ठीक है, रिडक्शन कराने के लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट्स लेंगे, ठीक है, जो रिएजेंट्स लेंगे वो क्या क्या हो सकता है? आप हाइड्रोजन को लीजिए निकिल के साथ, या प्लेटिनम के साथ, या पैलेडियम के साथ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आगे आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसे हम LAHD कहते हैं, ये भी ले सकते हो, ये भी बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम रिड्यूसिंग पावरफुल होता है, लेकिन ये भी होता है। ठीक है, ये भी रिड्यूस करता है आपके एल्डिहाइड कीटोन को, किसमें? अल्कोहल में। ठीक है, सोडियम के साथ C2H5OH भी ले सकते हो, ठीक है, अल्कोहलिक मेटल ले सकते हो यहाँ पर। तो ये सारे जो है ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। ये ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली लिखा है ताकि आप भी इसको अपने कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर सको। ठीक है, तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ये एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एल्केन की तरफ। एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो जब एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होगा तो या तो अल्कोहल बनेगा या तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, एल्केन बनेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट पे। तो अब यहाँ पर जो एल्केन बन रहा है एल्डिहाइड कीटोन से, तो यहाँ पर बहुत ही फेमस दो नेम रिएक्शन आएंगे, एक होगा क्लीमेंसन रिडक्शन और एक होगा वुल्फ फिशनर रिडक्शन। ठीक है, ये बहुत ही फेमस और एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, विद मैकेनिज्म भी आता है, नेम रिएक्शन के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में ये एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर आपको दो फेमस रिएक्शन में बताऊंगी, एक क्लीमेंसन रिडक्शन और एक वुल्फ फिशनर रिडक्शन। इन दोनों ही रिडक्शन में क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन एल्केन बनाता है। समझ में आ रहा है? इन दोनों ही तरह के नेम रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन एल्केन बनाता है विद हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लेंगे वो कौन कौन सा होगा? जिंक अमलगम, ZmHg, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, ठीक है,
अमलगम का नाम सुना है आपने? अमलगम मतलब मरकरी के साथ आपने कोई मेटल ले लिया तो वो एक एलॉय का काम करता है, तो इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। ये करता क्या है, ये मरकरी का काम यहाँ पे क्या है, ये क्या करता है कि मेटल के सरफेस एरिया को बढ़ाकर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मरकरी को हम लेते हैं किसी मेटल के साथ, ये एक एलॉय की तरह काम करता है, तो इसको बोलेंगे जिंक अमलगम। यहाँ पे आप कोई भी मेटल ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे जिंक अमलगम लिया है जो यूज होता है किसमें, क्लीमेंसन रिडक्शन में। ओके, तो जिंक अमलगम के साथ कंसेंट्रेट एचसीएल हम लेंगे तो ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा जो यूज होता है क्लीमेंसन रिडक्शन में। आगे है NH2 और कॉमा ग्लाइकॉल, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिडक्शन में हेल्प करता है, किसके, एल्डिहाइड कीटोन के एल्केन बनाने में हेल्प करता है। ये क्या है, इसको आपने पहले कभी देखा है, इसको अपने पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया है। NH2 क्या है, हाइड्राजीन, और साथ में यहाँ पर हमें लिया है बेस और ग्लाइकोल। तो ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ये वुल्फ किसनर रिडक्शन जो है नेम रिएक्शन इसमें यूज होता है और एल्डिहाइड कीटोन एल्केन बनाता है। ठीक है, एक और रिड्यूसिंग एजेंट है HI रेड फॉस्फोरस, ये भी क्या करता है कि एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बनाने में हेल्प करता है। तो जो भी रिएजेंट है जो आपके एल्केन बनाने में यूज हो रहे हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, जो एल्कोहल बनाने में यूज हो रहा है वो रिएजेंट मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का और या रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट भी आप ब्रैकेट में लिख लेना, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, और यहाँ पर भी रिड्यूसिंग एजेंट जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है ना, तो इसको नोट करना है तो नोट कर लो। अब एक एक करके हम सारा रिएक्शन पढ़ेंगे। स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं पहला रिएक्शन, रिडक्शन टू एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल कैसे बनता है। एल्कोहल वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसमें मैंने डिटेल से इसको बताया है, लेकिन कुछ बच्चे शायद नहीं पढ़े होंगे तो वो यहाँ पर समझ लेंगे कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एल्डिहाइड, यहाँ पर लिया है कीटोन, और साथ में आप देख सकते हो कि एरो के ऊपर और एरो के नीचे बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, एग्जाम में एक ही रिड्यूसिंग एजेंट देगा, चाहे वो हाइड्रोजन गैस के साथ निकिल दे, या हाइड्रोजन गैस के साथ प्लेटिनम दे, या हाइड्रोजन गैस के साथ पैलेडियम दे, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे, या सोडियम बोरोहाइड्राइड दे, कोई एक ही रिएजेंट देगा, लेकिन बनेगा क्या, एल्कोहल ही बनेगा। इज दैट क्लियर। यहाँ पर भी मैंने सारा रिएजेंट एक ही साथ लिखा है, लेकिन एग्जाम में एक ही देगा और प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल। तो केवल समझाने के लिए आपको कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाएगा, एल्कोहल। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड है, ठीक है, अब इससे क्या बन रहा है, एल्कोहल। तो करना क्या है कि इस कार्बन से जो ऑक्सीजन अटैच है उस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन को जोड़ो और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन को जोड़ो, बन गया एल्कोहल। ठीक है, RCOH, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया और ये हाइड्रोजन क्या बन गया, ये 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपने एल्डिहाइड कैसे लिया है। अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो मैथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड लिया है तो एथिल अल्कोहल, जिसे हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब कीटोन अगर आप लेते हो तो कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ है, इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन जोड़ो, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जोड़ो, बन गया एल्कोहल। ठीक है, तो आर, बस आपको रिडक्शन दिखाना है, एल्डिहाइड कीटोन का क्या दिखाना है, रिडक्शन, ये हो गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो आपका एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। चलिए एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आर को हटाकर यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लेती हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एच हो जाएगा और साथ में क्या बन गया आपका, ये बताइए क्या है, एक CH3OH मतलब मैथिल एल्कोहल। ओके, अब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ये सारे मैं नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे एक ही रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, जैसे ये ले लिया मैंने H2NI, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट अगर दिया हो तो आपका इस तरह से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट दे सकता है। ओके, अब यहाँ पर जैसे कीटोन की जगह पर, आर की जगह पर मैंने यहाँ पर CH3CH3 को ले लिया। ठीक है, CH3CH3, तो यहाँ पर भी आर को हटाकर CH3 नोट करते चलिए, CH3CH3। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी एक रिएजेंट ले लेते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पर मैंने प्लेटिनम को ले लिया। ओके, चल प्लेटिनम, बाकी सब साफ, तो आपका क्या बन गया, ये कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट को आप ले सकते हो, यहाँ पे पास में लिख देती हूँ। ठीक है, तो उसको नोट करना है तो नोट कर लो। अब मैं आपको बताऊंगी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से कैसे एल्कोहल बनता है। तो
फॉर स्टूडेंट्स लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जिसका फॉर्मूला होता है LiAlH4, ठीक है, इज अ मच मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखिए कि ये जो दोनों रिएजेंट होते हैं, ये जो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन में। हाइड्राइड आयन मतलब H माइनस के बारे में बात हो रही है, H प्लस के बारे में बात नहीं हो रही है, क्या बात हो रही है, H माइनस के बारे में। मतलब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हम इसका नाम पढ़े अच्छे से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड, लास्ट में क्या आ रहा है, हाइड्राइड मतलब H माइनस, मतलब ये जो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये रिएक्शन में H माइनस को सप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है ये मोर पावरफुल होता है, ये एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल में तो कन्वर्ट करता ही है, लेकिन साथ में अगर आपका एस्टर हो या एसिड क्लोराइड हो या एमाइड हो या एसिड हो या एल्किल हैलाइड हो या नाइट्रो कंपाउंड हो, सबको ये एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एल्डिहाइड कीटोन को तो एल्कोहल में कन्वर्ट करता ही है, ठीक है, उसका रिडक्शन करता ही है, लेकिन साथ में और भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जैसे ये सारे आपके एस्टर्स एमाइड, इन सबको भी एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड की तो ये केवल एल्डिहाइड कीटोन को करता है, साथ में एसिड क्लोराइड और एल्किल हैलाइड को ये एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एस्टर को एमाइड को ये एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है। अगर आपको ऐसा कंपाउंड दे दिया जिसमें आपका एल्डिहाइड कीटोन के साथ एस्टर भी हो या एमाइड भी हो और साथ में सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, तो आप एल्डिहाइड और कीटोन को ही एल्कोहल में कन्वर्ट करोगे, एस्टर को और एमाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करोगे। अब एग्जांपल आएगा, मैं सब बताऊंगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एल्कोहल में कन्वर्ट करता है उसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, और कौन कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जिसको सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्कोहल में कन्वर्ट करता है उसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है CH3 CH2 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 CH2
कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पर क्या है, एस्टर है। ये क्या है, एस्टर और ये कीटोनिक ग्रुप। और साथ में हम जो रिएजेंट को ले रहे हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट को ले रहे हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद उसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो अब हम ये सोचना है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और वो भी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा कि इस कीटोन को अल्कोहल में तो कन्वर्ट करेगा ही, लेकिन साथ में एस्टर को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। देखो कैसे, यहाँ पर एक ये क्या करेगा, हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करेगा या एच माइनस को ट्रांसफर करेगा, और कितना करेगा वो मैकेनिज्म में होता है, मैकेनिज्म बताऊंगी तब बताऊंगी आपको, कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है बहुत सारे हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर रहा है एच माइनस को, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CHOHCH2CH2। अब ये जो एस्टर है यहाँ पर भी ये पूरा एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इसको हटाकर जुड़ेगा, तो एक अल्कोहल बन गया। अब एक और अल्कोहल बनेगा C2H5OH, अभी मैं करूंगी बताऊंगी आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस कीटोनिक ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ो, तो ये हो गया आपका कीटोनिक ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट। अब यहाँ पर CH2 और ये जो कीटोन, ये जो है आपका एस्टरिक ग्रुप, इसमें इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। चलो अब आगे क्या होगा, यहाँ से ये पूरा ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद OC2H5 अलग हो जाएगा और इसके इक्विवेलेंसी फ्री होगी, वहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इस एस्टर में तीन हाइड्रोजन जुड़ा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन पे जुड़ा। ठीक है, इधर से अटैक किया तो यहाँ पर आपके हो गए CH3CHOH CH2CH2CH2OH, तो पूरा का पूरा अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कर दे तो क्या होगा। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड भाई विक, इसके कंपेरिजन में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के कंपेरिजन में थोड़ा विक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है अल्कोहल में।
तो एस्टर ग्रुप जस्ट का तस रह जाएगा, ठीक है, लेकिन कीटोनिक ग्रुप को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, देखो कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक और प्रोडक्ट यहाँ पे निकल रहा था ना, ये C2H5O जो होगा ये C2H5OH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो सबका सबको ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। एस्टर से आपके दो तरह के अल्कोहल यहाँ पे मिल गए, ठीक है, यहाँ पर भी अल्कोहल मिल गया, ठीक है। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें तो ये आपका कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया, CH3CHOH, ठीक है, फिर CH2CH2, ठीक है। अब आगे जो एस्टर ग्रुप दिया हुआ है उस पर ये कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, बेचारा उतना ताकतवर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ओ C2H5 एस्टर ग्रुप वैसे ही रह गया, केवल कीटोनिक ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही एग्जाम में आता है कि अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो वो सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हो तो वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही आपका अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एस्टर वगैरह को एमाइड वगैरह को वो टच नहीं करेगा। नोट करना है तो नोट करना। स्टूडेंट्स, रिडक्शन टू अल्कोहल में एक नेम रिएक्शन भी आता है जिसका नाम है मिरविन पॉन्ड्रॉक वर्ले रिडक्शन, जिसे हम एमपीबी रिडक्शन भी कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा नाम आपको याद नहीं हो पा रहा है, जिसको एमपीबी रिडक्शन रिएक्शन भी कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। अब ये एमपीबी क्या है, तो ये तीन दोस्त थे, तीन साइंटिस्ट थे, तीनों ने मिलकर इस पर काम किया और इस रिएक्शन का नाम रख दिया अपने नाम के ऊपर, मिरविन पॉन्ड्रॉक वर्ले रिडक्शन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन आप लेते हो, ठीक है, रिएक्टेंट के फॉर्म में क्या लिया आपने, एल्डिहाइड और कीटोन, साथ में हम यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट को ले रहे हैं वो है एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर जो हमने रिएजेंट लिया वो है एल्युमिनियम एल्कोक्साइड, इसके साथ हम एक अल्कोहल भी लेते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्कोहल हम लेते हैं इसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल अल्कोहल। अब आप सोचोगे ये कौन सा अल्कोहल है सैक्रिफिशियल अल्कोहल, तो ये जो अल्कोहल होता है ये अपने आप को सैक्रिफाइस करता है इस रिएक्शन में, इसलिए इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल अल्कोहल। अब कैसे करता है, तो ये अल्कोहल जो हम ले रहे हैं एज ए रिएजेंट के फॉर्म में, ये अल्कोहल अपना H माइनस अपना हाइड्राइड आयन किसको ट्रांसफर करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को, ये अपना हाइड्राइड आयन इसको ट्रांसफर किया, ये अल्कोहल ने अपना हाइड्राइड आयन एल्डिहाइड और कीटोन को दिया और खुद ही किसमें कन्वर्ट हो गया, ये अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन में, दूसरे तरह के एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये अल्कोहल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये H माइनस को इनको दिया एल्डिहाइड कीटोन को और खुद कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड और कीटोन में, मतलब इस अल्कोहल का, इस सैक्रिफिशियल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है न्यू एल्डिहाइड और कीटोन में जो प्रोडक्ट में बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है इस ये H माइनस को लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, फिर से समझिए, जो एमपीबी रिडक्शन है इसमें क्या है कि आपका एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होगा अल्कोहल में, लेकिन साथ में हम यहाँ पर जो रिएजेंट ले रहे हैं अल्कोहल उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस ऑक्सीडेशन को एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है ऑपनोवर ऑक्सीडेशन, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं। मतलब ये दो तरह का रिएक्शन हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिवर्सिबल रिएक्शन, पहले वाले में एमपीबी रिएक्शन होगा, दूसरे वाले में होगा आपका ओपनेयर, इसको स्पेलिंग जरा चेक कर लीजिएगा आप लोग, ओपनेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात समझिए, ठीक है, कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर जो हमने सैक्रिफिशियल अल्कोहल लिया है, सैक्रिफिशियल अल्कोहल लिया है ये अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है, ये H माइनस को देगा इस एल्डिहाइड और कीटोन को, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करेगा इस एल्डिहाइड और कीटोन को और इस एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में, लेकिन जब ये H माइनस को बाहर निकाल देगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा जो एल्डिहाइड और कीटोन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट भी बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, भी एल्डिहाइड और कीटोन जो आपका बन रहा है वो इस अल्कोहल से बन रहा है, इससे बन रहा है, इस अल्कोहल से, अभी मैं पूरा आपको अच्छे से बताऊंगी, बिल्कुल मत घबराओ। और यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बन रहा है, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल और इस सैक्रिफिशियल अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, पहले वाले में एमपीबी, दूसरे वाले में ओपनोवर ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब कैसे होगा ये सब कुछ मैं आपको रिएक्शन करके बताती हूँ, नोट करना है तो नोट करना।
मोस्ट अगेंस्ट इस एमपीपी रिडक्शन में होता क्या है, तो यहाँ पर मैंने कीटोन लिया है, आप इसको एल्डिहाइड भी ले सकते हो, ठीक है, कीटोन या एल्डिहाइड कोई भी आप ले सकते हो। साथ में हम यहाँ लेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है, इस कार्बन से दो कार्बन अटैच है, मतलब ये सेकेंडरी एल्कोहल है और इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब हम इसके साथ ले रहे हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है IPRO(3) ब्रैकेट के बाहर थ्री और एल्यूमिनियम, ये क्या हो गया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। अब यहाँ पर एमपीपी रिडक्शन होगा कैसे, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये जो आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल है ये H- को ट्रांसफर करेगा कहां पर, यहाँ पर ये H- यहां से निकला और ये H- इस ऑक्सीजन पे जुड़ा, इस कार्बन पे जुड़ा और क्या बन गया एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करेगा, किसको, इस कीटोन को, H- आयन ट्रांसफर, ठीक है, ये H- आयन को ट्रांसफर किया ये कीटोन को, और कीटोन किसमें कन्वर्ट हो गया COHRR, किसमें कन्वर्ट हो गया बोलो, एल्कोहल में। फिर से बात समझो क्या मैं बोल रही हूँ, आइसोप्रोपिल एल्कोहल अपना H- इस एल्डिहाइड इस कीटोन को दे दिया, तो यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा और क्या बन गया एल्कोहल। अब यहां से भी हाइड्रोजन निकल गया है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल गया है आइसोप्रोपिल एल्कोहल का, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बोलिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। आई बात समझ में कि नहीं, ये आपका कन्वर्ट हो गया कीटोन में, ध्यान से मेरी बात समझिए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल अपना एच माइनस इस कीटोन एल्डिहाइड या एल्डिहाइड को दिया, आप जो भी ले सकते हो, और ये कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में। और लेकिन ये जब H- को निकाल दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया ना, इसका तो रिडक्शन हुआ लेकिन इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया कीटोन में, यहाँ पर क्या बन गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल से कीटोन बन गया, ठीक है, CH3CH3 CH3CH3 और यहाँ पर COH में से दोनों हाइड्रोजन निकल गए और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया तो कीटोन बन गया। तो आपका कीटोन से बना एल्कोहल, एल्कोहल से बना कीटोन, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ऊपर वाला क्या है, अगर ये रिएजेंट लेंगे तो एमपीपी रिडक्शन हो जाएगा और इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑफ न्यूअर ऑक्सीडेशन। तो अगर आपको केवल एग्जाम में एमपीपी रिडक्शन पूछेगा तो इसको मत करना, ठीक है, यहाँ पर इसको मत लिखना, जब एमपीपी केवल पूछेगा, ओनली एमपीपी पूछेगा तो केवल एमपीपी ही बताना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा हो गया आपका एमपीपी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया ना, नोट करना है तो नोट। स्टूडेंट्स, तो हमने क्या पढ़ा कि एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक, रिडक्शन टू पिनाकोल, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से डायोल कैसे बनाते हैं। अल्कोहल मतलब अल्कोहल का ही टाइप होता है डायोल, जिसमें दो OH होते हैं एडजेसेंट कार्बन से, ठीक है, उसी को हम डायोल कहते हैं, तो उसी को हम पिनाकोल भी कहते हैं। पिनाकोल आपने नाम सुना है कहीं पे, मैंने इसको बताया है, यस मैंने बताया है जब मैं अल्कोहल पढ़ा रही थी तब, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट काफी अच्छे से मैंने इसको बताया है। तो आपको इसका फॉर्मूला याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पिनाकोल क्या होता है, ये होता है 1-2 डायोल, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे, मतलब 1 और 2 कार्बन पे OH ग्रुप अटैच होंगे तो उसको बोलेंगे 1-2 डायोल। तो एल्डिहाइड और कीटोन से डायोल कैसे बनता है, जिसे हम पिनाकोल कहते हैं, वो कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कीटोन के मॉलिक्यूल लिए हैं, टू मॉलिक्यूल लिए है, इसलिए इसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन रिएक्शन, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने टू मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन लिया है, साथ हमने लिया है मैग्नीशियम अमलगम। अब मैग्नीशियम अमलगम क्या है, अमलगम के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मैग्नीशियम अमलगम है, ये दो हाइड्रोजन को, दो H- को सप्लाई करेंगे, ठीक है, किस पे सप्लाई करेंगे, इन दोनों को, एक इसके पास सप्लाई करेगा, एक इसके पास, दो H- आएगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ जुड़ेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका ये जो दोनों कीटोन है आपस में जुड़ जाएंगे, कैसे, जो दो H- आ रहा है उसमें से एक H- इस ऑक्सीजन पैक जुड़ेगा और एक H- इस ऑक्सीजन पैक जुड़ेगा, बाकी इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, वो दोनों आपस में जुड़ गए, तो क्या बन गया पिनाकोल, CH3COH, ठीक है, और ये CH3, इस कार्बन से एक OH अटैच है, दो CH3 अटैच है और इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई है, इस कार्बन से भी एक OH अटैच है, दो CH3 अटैच है
और एक वैलेंस इसकी भी फ्री हुई है, तो ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ गए। मैंने काफी लंबा बॉन्ड बना दिया है, ठीक है, इसको पास में आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं पास में बना देती हूँ, मैं आपको समझाने के लिए उस तरह से बनाई थी। तो ये हो गया आपका पिनाकोल, पिनाकोल जिसे हम बोलते हैं 1,2-diol। तो दो अगर कीटोन के मॉलिक्यूल लेते हैं मैग्नीशियम अमलगम के साथ, तो आपका क्या बन गया, पिनाकोल बन गया। कैसे बना, ये दो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर करेगा, एक इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, एक इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, इन दोनों की एक वैलेंसी फ्री होगी, फिर तो दोनों आपस में जुड़कर ये बना लेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। तो ये जो पिनाकोल बना हुआ है, इससे पिनाकोलोन कैसे बनाएंगे, तो अगर आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया कि कीटोन से पिनाकोलोन कैसे बनाएंगे, तो कीटोन का सबसे पहले दूसरे कीटोन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम अमलगम, तो आपका पिनाकोल बन गया, रिडक्शन हो गया, कीटोन से पिनाकोल बन गया मतलब रिडक्शन हो गया। अब इस पिनाकोल से पिनाकोलोन कैसे बनाएंगे, पिनाकोलोन मतलब क्या, लास्ट में ओ एन ई आ रहा है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, किसमें, पिनाकोलोन में। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एसिडिक मीडियम ले लेंगे, कैटलिस्ट के फॉर्म में हम क्या लेंगे, एच प्लस ले लेंगे। तो क्या होगा कि ये एच प्लस क्या करेगा कि वाटर को यहां से निकाल देगा बाहर माइनस एच टू ओ के फॉर्म में। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जब वाटर निकल जाएगी तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई। तो अब क्या होगा कि ये जो सी एच थ्री है, ये सी एच थ्री अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लिया और इस कार्बन पे शिफ्ट कर गया, मतलब इसको बोलेंगे 1,2-methyl शिफ्ट। सब मैंने बताया है जब मैं कोहर पढ़ा रही थी, तो पिनाकोल पिनाकोलोन सब बताया है मैंने, 1,2-methyl शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सी एच थ्री इस पे चला जाएगा और इस कार्बन की फिर इक्विवेलेंसी फ्री हो जाएगी, तो ये ऑक्सीजन की पहले से ही फ्री है, तो दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, मतलब कीटोनिक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी सी एस सी सी एस सी सी एस सी मतलब बन गया आपका पिनाकोलोन, ठीक है। फिर से समझिए रिएक्शन को, मैं क्या बोल रही हूँ, कीटोन से अगर पिनाकोलोन बनाना होगा तो कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स को लेंगे मैग्नीशियम अमलगम के साथ, तो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पर रिडक्शन होगा और पिनाकोल बन जाएगा, ये कैसे बन जाएगा, तो ये तो मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। अब ये जो पिनाकोल बना, अब इसको किसी एसिडिक मीडियम में ले लेंगे, कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर हम एच प्लस को ले रहे हैं, तो इसका मैकेनिज्म वगैरह काफी डिटेल से मैंने बताया, अभी बताओगे तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ, ठीक है, नहीं तो पूरा बहुत ही इसका मैकेनिज्म बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका H+ है वो वाटर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जो एसिडिक मीडियम अगर आप लेते हो तो वाटर को निकालता है वो, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री होगी। तो यहाँ पे 1,2-methyl शिफ्ट होगा, ये सी एच थ्री इलेक्ट्रॉन को लेकर इस पर चला जाएगा, तो इस तरह का ये पूरा सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया, मतलब पिनाकोलोन बन गया, लास्ट में ओ एन ई है, मतलब कि डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, तो ये बन गया पिनाकोलोन। और H+ का क्या काम था, वो वाटर को निकालने का काम था। अभी इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगी, तब उसमें मैं बताऊंगी कि इसमें H+ कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, वैसे मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म बता दिया है, तो अगर आपको नोट करना है तो नोट करना। तो स्टूडेंट्स, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हमने क्या क्या पढ़ा कि एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से पिनाकोल कैसे बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा कैटेगरी, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन कैसे बनाते हैं, एल्केन कैसे बनता है। इसका भी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन के थ्रू ही एल्डिहाइड कीटोन एल्केन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये तीसरा और लास्ट टॉपिक है, ठीक है, रिडक्शन वाले कैटेगरी का। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से जरा देखिए बोर्ड पर कि ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया किसमें, सी एच थ्री में, मतलब मैथिल ग्रुप में, और ये कीटोनिक ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये कीटोनिक ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, मैथिलीन ग्रुप में, ठीक है। अब यहाँ पर आप दोनों तरफ कार्बन को जोड़ दीजिए, तो बीच में क्या हो जाएगा, सी एच टू, मतलब आपका प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। तो आपका एल्डिहाइड में जो एल्डिहाइड का जो सी एच ओ है वो कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री में, कीटोन का जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो कन्वर्ट हो जाएगा सी एच टू ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग
कर लेते हैं फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी रिएक्शन को हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें हम तीन रिएक्शन को देखेंगे, एक क्लीमेंसन रिडक्शन, एक वुल्फ किस्नर रिडक्शन और एक HI प्लस रेड फॉस्फोरस के थ्रू कैसे बनता है एल्केन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो स्टूडेंट पहला जो निम्न रिएक्शन है वो है क्लीमेंसन रिडक्शन और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन में होता क्या है चलिए देख लेते हैं। एल्डिहाइड कीटोन जो है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं किसके साथ, जिंक अमलगम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट HCl। तो हमारा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनकर रेडी हो जाता है जिसे हम एल्केन कहते हैं। बस यही है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। तो अब आप बोलोगे कि मैम तो ये तो बहुत ही इजी है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज्यादा इजी है, आप देखकर एल्डिहाइड कीटोन में से आप सी डबल बॉन्ड ओ को हटाइए, वहां पे CH2 को जोड़ दीजिए, बन गया आपका एल्केन। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो उसको आपको समझना है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि एल्डिहाइड कीटोन को हम लेते हैं जिंक अमलगम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेट HCl, तो हमारा हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन बनकर रेडी होता है, इसी को हम क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड को लिया है, तो ये जिंक अमलगम क्या करेगा, हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा। इसका क्या काम होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन ही को ट्रांसफर करेगा। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन को ही ट्रांसफर करता है। कितना हाइड्रोजन यहाँ पे निकालेगा, 4 नेसेंट हाइड्रोजन। ये कितना निकालेगा, 4 नेसेंट हाइड्रोजन को। ठीक है, अब कैसे निकालेगा, क्या रोल है कंसेंट्रेट HCl का, वो सब मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा। तो फिलहाल आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर देखिए कि 4 हाइड्रोजन आए और एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिए, एल्केन में, साथ में एक बाय प्रोडक्ट भी आपका बनेगा। आप देखो कैसे, इसके पहले मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड का CHO और कीटोन का सी डबल बॉन्ड ओ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 और CH2 ग्रुप में। तो यहां पर आप क्या करेंगे, CH3 CH3 और इस CHO को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, CH3 में। इसके पहले मैंने आपको बताया कि CHO को CH3 में, सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में, बस बन गया एल्केन, कोई भी इसमें कठिनाई नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये बन गया आपका, क्या बन गया, इथेन, या इसे हम एल्केन भी कह सकते हैं। ओके, चलो, और साथ में यहां पर बनता है वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन है उसका क्या रोल है वो देख लीजिए। 2 हाइड्रोजन क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर है कार्बन के पास, तो 2 हाइड्रोजन इससे और जुड़ गए, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ गए तो क्या बन गया, CH3। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है और बाकी के आपके 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तभी तो CH3 बनेगा ना। तो यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और बाकी के बचे हुए 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेंगे। ठीक है, ये बैलेंसिंग करके मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब इसका पूरा मैकेनिज्म आपको बताऊंगी तो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन है उसका 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लिया, बचा हुआ 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ गया और CH3 बना लिया। ठीक है, इसको बोलेंगे इथेन या एल्केन। तो यहाँ पर एल्डिहाइड से एल्केन बनकर रेडी हो गया। अगर आप कीटोन लेते हो तो कीटोन में भी वही होगा, C डबल बॉन्ड O जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 ग्रुप में, क्यों होगा कि नहीं बोलो, और क्या बन जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, साथ में आपका वाटर निकल गया, तो यहां पर क्या बन गया, एल्केन बन गया आपका। ठीक है, एल्केन। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिल गया H2O, बाकी के 2 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़कर प्रोपेन बना लिया। बैलेंसिंग मैंने आपको बता दिया, अब जल्दी से इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कीटोन को लिया है और साथ में जिंक अमलगम कंसेंट्रेट HCl, तो ये क्या कौन सा रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये क्या करेगा, ओ को हटाकर यहाँ पर CH2 जोड़ दो और ये ओ H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये जो जिंक अमलगम है ये 4 हाइड्रोजन को सप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये R, ठीक है, ये R C डबल बॉन्ड O और R डैश, ठीक है, सबसे पहले ये जो जिंक होता है इसका रोल यहाँ पर आता है। कैसे, तो ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया, तो जिंक जो है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का काम करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बता रही हूँ, तो इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को सप्लाई कर दिया, तो अब क्या बन गया आपका, अब आपका बन गया O पर नेगेटिव R डैश और कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रही हूँ,
कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव हो गया, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा कार्बन पे। ओके, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर दिया तो दो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई किया जिंक ने कार्बन पे, तो एक तो इलेक्ट्रॉन में इसकी वैलेंसी पूरी कर ली, बाकी के एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, जिसके वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। समझ में आ रहा क्या बोल रही हूँ? नेगेटिव कैसे आया? ये दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इसने सप्लाई किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन से तो इसका वैलेंसी पूरा हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन ने ले लिया, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है ये जिंक पूरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो इसको न्यूट्रल करने में यूज हो गया, बाकी का एक एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के फॉर्म में कार्बन पे आ गया। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं दोबारा इसको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर सी पर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा कि अब आएगा रोल किसका? इस कंसंट्रेट HCl का। तो यहाँ पर आपके 2H+ आएंगे, कहाँ से? कंसंट्रेट HCl से। एक H+ यहाँ जुड़ेगा, एक H+ यहाँ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, क्या बन जाएगा? एल्कोहल, ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब आपका वापस से यहाँ पर कौन आएगा? H+ आएगा। अब ये H+ आएगा और क्या करेगा? यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके पास दो लोन पेयर है, तो ये H+ इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। देखो कैसे, RCHO H2+R-, ये समझ में आ रहा कैसे हुआ? ये H+ इस ऑक्सीजन से जुड़ गया तो O पे प्लस चार्ज आ जाएगा और दो हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन। अब इसने एक लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाने में यूटिलाइज कर लिया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब यहाँ पर जब भी किसी भी कंपाउंड में इस तरह की स्पीसीज नजर आए OH2+, तो बिल्कुल आंख बंद करके इसमें से H2O को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ से बगल से इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, कौन? ऑक्सीजन, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, तो बगल के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचकर वो H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ये कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं बोलो? जब H2O निकल गया तो इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ फिर से रोल आएगा किसका? जिंक का। ये जिंक वापस से इस कार्बन पे, बेचारा हमेशा खड़ा रह रहा है कि जब भी इस कार्बन को मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन सप्लाई करूं। तो इसके ये जो जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया इस पे, तो RCH R- और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो एक तो वैलेंसी पूरा करने में यूज हो गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो ये हो गया। तो अब इस कार्बन पे एक नेगेटिव आ गया, तो वापस से अब कौन आएगा? किसका रोल है यहाँ पर? H+ का रोल है। H+ कहाँ से आया? कंसंट्रेट HCl से, जो सॉल्यूशन आपने लिया है उसमें से आया। अब ये H+ इस पे अटैक किया और क्या बन गया? RCH2R-, एक H पहले से है, एक H और आ गया तो CH2 हो गया, मतलब क्या बन गया आपका? एल्केन, दिखाई दे रहा है नीचे, एल्केन। तो अब यहाँ पर जरा बिल्कुल ध्यान से देखिए बोर्ड पे कि जिंक यहाँ पर यूज हुआ, जिंक यहाँ पर यूज हुआ, दो जिंक यूज हो रहा है। हाइड्रोजन कितने यूज हो रहे हैं? दो हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, चार हाइड्रोजन। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, ठीक है। मैंने इसके पहले मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन में ये जिंक अमलगम 4 हाइड्रोजन को सप्लाई करता है। ओके, यहाँ पर देखो, दो यहाँ, तीन यहाँ और चार यहाँ, दो जिंक यूज हो रहा है इसमें। तो कैसे होगा? देखो यहाँ पर जो जिंक है, दो जिंक यूज हो रहा है, ये दोनों जिंक जो है आपके जिंक प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और 2E- में इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कर देंगे, मतलब ये कि आपका बैलेंसिंग इक्वेशन मैंने बना दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज हो रहा है इस रिएक्शन में। दो जिंक यूज हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। कैसे? दो जिंक यूज हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 1, 2, 3, 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स को जिंक जो है सप्लाई कर रहा है स्पीसीज को, कंपाउंड्स को, एक यहाँ पर कीटोन को दे रहा है और एक यहाँ पर इस इलेक्ट्रोफाइल को दे रहा है, ठीक है, इस कार्बन प्लस को और एक यहाँ पे कीटोन को।
कीटोन में जो आप कार्बन है उसको उसको कीटोन नहीं बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया, इस इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया, तो दो जिंक यूज हो रहे हैं और चार इलेक्ट्रॉन को वो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टू जेड एन प्लस 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 फोर ई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैकेनिज्म होगा क्लीमेंसन रिडक्शन का, नोट करना है तो नोट करना। तो स्टूडेंट्स क्लीमेंसन रिडक्शन का कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, जब इसको करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पर जिंक के साथ अमलगम है, इसका मतलब क्या है, ये क्लीमेंसन रिडक्शन का एग्जाम्पल है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर O को हटाकर यहाँ पर CH2 को जोड़ देंगे, बस काम खत्म। तो यहाँ पर क्या करना है, CH2 को यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और बाकी ये आपका बन जाएगा, ये कंपाउंड आपका बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपका वाटर यहाँ पर निकल जाएगा। आगे ये दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कॉपी में कर लीजिए, यहाँ पर O हटाइए और CH2 हो जाएगा और ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर भी CH2 होगा। ओके, मैंने सो नहीं किया है क्योंकि हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सो नहीं करते, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हो गया, तो आपका ये हो गया, ये हो गया। आगे नेक्स्ट देखिए, ये कंपाउंड, अब इसमें जरा ध्यान से देखिए कि OH भी दिया हुआ है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि जिंक अमलगम इस O को हटाकर यहाँ पे CH2 जोड़ देंगे, वो तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन OH का यहाँ पे क्या रोल है, तो कंसेंट्रेट HCl दिया हुआ है, ये एसिडिक मीडियम है और जब भी एसिडिक मीडियम होता है तो वहां से H+ निकलता है और वो OH के साथ मिलकर H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो वहां पर इस HCl का Cl- आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया आपको कि CH2 हो जाएगा O हट के वहां पे, और यहाँ पर OH हटकर यहाँ पर Cl हो गया। क्यों? क्योंकि कंसेंट्रेट HCl क्या करेगा, किसका H+ इस OH के साथ मिलकर H2O बना लेगा, बाहर निकल जाएगा। अब इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई है और यहाँ पर Cl- है, ये OH- इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल रहा है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ पर Cl पर नेगेटिव, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इस तरह का कंपाउंड बनकर रेडी हो जाएगा। इसको नोट करना है तो नोट करना। स्टूडेंट्स एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन करते हैं तो एल्केन बनता है, उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेक्स्ट नेम रिएक्शन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक मीडियम में होता है, इसके पहले जो मैंने बताया क्लीमेंसन रिडक्शन वो आपका एसिडिक मीडियम में हो रहा था, कंसेंट्रेट HCl ले रहे थे, लेकिन यहाँ बेसिक मीडियम होगा, यहाँ पर हम KOH को लेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन जो होता है ये KOH ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और एल्केन बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, NH2NH2। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए कि ये वुल्फ-किस्नर रिडक्शन है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है एल्डिहाइड, ये क्या है हाइड्रोजन, और ये बेसिक मीडियम में हमने इसको लिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो H2O के फॉर्म में यहाँ पर ये ऑक्सीजन निकल जाता है और आपका बीच में हाइड्राजोन बनता है, उसके बाद फिर आपका रिएक्शन के बाद फिर से आपका एल्केन बनकर रेडी रहता है। जब मैकेनिज्म बताऊंगी तो पूरा क्लियरली हो जाएगा आपका, अभी यहाँ पर एक लाइन में आपको बता रही हूँ कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बाहर निकल गया, ये नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, बचा क्या H2, वो H2 C से मिलकर CH2 के फॉर्म में जुड़ गया। आया बात समझ में, नहीं आया फिर से देख, फिर से आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। CH2H+H2O+N2, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन लेते हैं वुल्फ-किस्नर रिडक्शन में, हाइड्रोजन को लेते हैं बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन इस एल्डिहाइड या इस कीटोन के ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O के फॉर्म में निकल गया, बचा क्या NNH2। अब इसका जो NN है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गया, बचा क्या दो हाइड्रोजन, वो दो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया क्योंकि इसकी दो वैलेंसी फ्री हो गई थी, तो बन गया एल्केन। ठीक है, ये क्या बन गया, इथेन मतलब एल्केन, ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। अभी इसका मैकेनिज्म बताऊंगी तो बताऊंगी कि बीच में हाइड्रोजन बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर कीटोन है, कीटोन के साथ आपने हाइड्रोजन को लिया, ये क्या था एल्डिहाइड, ये क्या कीटोन, हाइड्रोजन के साथ आपने लिया, तो यहाँ पर सेम ऊपर वाला जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पर O हटकर वहां पर CH2 जुड़ जाएगा और CH3 साथ में N2 गैस और H2O बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, प्रोपेन मतलब एल्केन, बहुत ही इजी है, कोई भी टिपिकल नहीं है। यहाँ पर समझिए बात को, ये दो ऑक्सीजन इस दो हाइड्रोजन के साथ, सॉरी एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बना लिया, बाकी क्या बचा NNH2, तो दो नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रोजन गैस निकल गया, दो हाइड्रोजन बचा वो इस कार्बन से जुड़ गया तो CH2, क्योंकि इसकी दो वैलेंसी फ्री हुई थी,
क्योंकि ऑक्सीजन बाहर निकला था, तो बन गया प्रोपेन, नाइट्रोजन गैस और H2। यही है आपका वुल्फ-किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट, समय की कमी के वजह से इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं छोड़ रही हूँ, कल की क्लास में इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगी। एक और रिएक्शन है, रेड फॉस्फोरस और HI के साथ LDI डोकिटोन का रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है। उसके बाद रिडक्शन खत्म हो जाएगा और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन स्टार्ट होगा। तो टाइम अभी बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।